नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। मालवीय नगर स्थित क्रिस्टल कोर्ट में क्रिस्टल कोर्ट व्यापार मंडल द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ एवं महाआरती का आयोजन हुआ। जैसा कि क्रिस्टल कोर्ट व्यापार मंडल के संरक्षक एवं भाजपा शहर उपाध्यक्ष परमेंद्र शर्मा ने बताया कि असल में तो राम जी वनवास से अयोध्या अब लौटे हैं। हमें अपनी सनातनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि जिसने सभी धर्मों को अपने में आत्मसात किया है, अपनाया है। कार्यक्रम के इसी कड़ी में सनातनी वाद्य यंत्र समिति जयपुर द्वारा बड़े जोश और उत्साह से ढोल नगाड़ा की थाप पर वाद्य यंत्रों की शानदार प्रस्तुति देते हुए अपनी सनातनी संस्कृति पर गर्व महसूस कराते हुए आने वाले सभी उम्र वर्ग के लोगों में अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्ण संध्या पर जोश, उमंग, उत्साह एवं भक्ति का संचार करते हुए नाचते झूमने पर मजबूर कर दिया। तत्पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ एवं महाआरती का आयोजन हुआ। मैं साहब आपका परिचय। मैं परमेंद्र शर्मा क्रिस्टल कोर्ट व्यापार मंडल का संरक्षक हूं और बीजेपी शहर उपाध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम है और आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और 500 साल के वनवास के बाद, 500 साल तक इंतजार करने के बाद, 500 साल पहले बाबर नाम के एक शासक, मुगल शासक ने यहाँ पे मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के अंदर इसका मंदिर के पक्ष में न्याय निर्णय हुआ, फैसला हुआ, जिसके अंदर ये बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण का निर्णय किया गया। और 2022 के अंदर माननीय मोदी जी ने इसकी नींव रखी और इसका कार्य प्रारंभ किया। आज हमें गर्व है एक सनातनी होने के ऊपर कि आज हमारे श्री राम, असल के अंदर वनवास श्री राम जी का आज खत्म हुआ है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। हमारे लिए 2022 22 जनवरी 2024 दिवाली से भी बड़ा पर्व मनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और लोकबागों का कहना है कि मंदिर निर्माण से क्या होता है, आज लोकबाग हस्तप्रभ है ये देख के कि 2022 का ये जो निर्णय हुआ आज 2024 में संपन्न हो रहा है। आज देखिए दिवाली से भी ज्यादा खरीदारी मार्केट के अंदर है। आज हर जगह दिवाली से बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। असल के अंदर आज हमारे श्री राम सही मायने के अंदर वनवास से लौटे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं आयोजन? देखिए हमारे व्यापार मंडल ने ये कार्यक्रम किया है। आज हम लोग यहाँ पे भव्य युवाओं के सहयोग से, सारे व्यापारियों के सहयोग से भव्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाआरती का आयोजन रखा गया है और कल हम लोगों ने 22 तारीख को और विशाल भंडारे का आयोजन किया है जिसमें कोष बड़ा भंडारा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। युवा शक्ति और भक्तों के नाम, जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें गर्व है कि हम एक सनातनी हैं और सनातन एक ऐसा धर्म है जिसने सभी धर्मों को मान्यता दी है, सभी धर्मों को समझा है। हमारे मन में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए मुस्लिम भी हमारा भाई है। हम सनातनी हैं, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी हमारे धर्म की भी इज्जत करें। ऐसे श्रेष्ठ और पुनीत कार्य करने के लिए आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और आपका